सो यार पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक ठाक, बढ़िया था, इजी था। इजी था, ठीक है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों की बात करें, फिजिक्स छोड़ दिए हैं, केमिस्ट्री मैथ्स केमिस्ट्री भी ठीक ठाक गई है, केमिस्ट्री मैथ्स में फूट गए हैं, मैथ्स में फूट गए, मतलब इतना तो करके आया होगा कि ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे ना। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे को एक बार बताओ यार, पुनीत सर ने एक लाइव लिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यार फॉर्मूला बेस अगर आप पढ़ के जाते हो सब 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 ठीक है, हां कृपा उन्हीं लोग की है, उनकी और भाई सर। अच्छा अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि अगर मैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करूं तो मतलब क्या केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे? हाँ, मैथ्स में तो खैर एनसीईआरटी में ज्यादा थे। अच्छा एनसीईआरटी में, हां मैथ्स थोड़ा सा टफ हमको लगा, और लोगों का नहीं पता। हां मतलब डिफरेंट हो सकता है हर किसी का जो ओपिनियन है। मैथ्स तो पढ़े कम थे तो हमें ठीक लगा, ठीक है, और जो पढ़ा होगा उसे इजी लगा होगा, ठीक है। अच्छा अगर अभी मैं बात करूं, तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं यार, ठीक है, तीनों अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में अगर मैं शाम वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे को कुछ गाइडेंस देना चाहूं तो क्या बोलोगे? फॉर्मूला रिवाइज के लिए थोड़ा बहुत वेव का वेटेज ज्यादा था, वेव से सवाल ज्यादा है, ठीक है, 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से ज्यादा सवाल क्वेश्चन थे, एकदम मतलब नोट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, इजी थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यार, 2 बजे पहला सेकंड अटेम्प्ट शुरू होने वाला है, अभी 12:15 हो रही है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लीजिए और उसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच।